नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं और ई समाचार का बुलेटिन कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। सिरसा जिला के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एलनाबाद उपमंडल के गांव तलवाड़ा खुर्द में आज दो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से एक 3 वर्षीय बच्चा व एक 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव आई है। इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, ये अपने घर पर ही थे, फिर भी कोरोना इस तरह गांव में फैलता जा रहा है, ये चिंताजनक बना हुआ है। और महिला जो कर्मचारी है वो गांव की आंगनवाड़ी में कार्यरत है। उपमंडल नागरिक अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हरप्रीत कौर ने बताया कि गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। शुक्रवार को गांव तलवाड़ा में 66 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से आज दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानकारी दीजिए। तलवाड़ा के अंदर आज दो केस आए, एक तो आंगनवाड़ी वर्कर है जो, और एक है 3 साल का बच्चा, लड़का है वो, तो उसको हम अभी शिफ्ट करवा रहे हैं सिरसा, और उसके बाद जो भी कंटेनमेंट जोन बनेंगे उसके अंदर जो भी लोग हैं उनकी हम सैंपलिंग करेंगे। इनकी हिस्ट्री क्या है? ट्रैवल हिस्ट्री इसके फादर की, बच्चे के फादर की है, अभी वो फिरोजपुर शायद जाके आया पंजाब में, तो अभी उसके फादर का तो हुआ नहीं है टेस्ट, करेंगे अब आज टेस्ट में इसका। बच्चे को भी सिरसा भेजा जाएगा? हाँ जी बिल्कुल भेजा जाएगा बच्चे को। क्या आपको पता कैसे लगा जी बच्चे का? हमने यहाँ पर कैंप लगाया था परसों, उसके अंदर हमने डिटेक्शन करके जिन जिन लोगों को ज़रूरत थी तो उनकी हमने सैंपलिंग करी थी, उसी में ये पॉजिटिव आए हैं दो केस। 66 केसों हमने उस दिन 66 करे थे, सैंपल लिए थे, और उसमें से ये दो पॉजिटिव केस निकले। अब अपने एरिया में कितने एक्टिव केस हो गए? अगर सिर्फ इस एलनाबाद की बात करते हैं, अगर इस एलनाबाद इसके अंदर मेरे सिर्फ PSC एलनाबाद के अंदर तो कोई एक्टिव केस यही है, लेकिन ब्लॉक के अंदर तो और भी है। ओके।